करने वाला। तो पढ़ो, पढ़ाई करो, कुत्ता भी तो पढ़ाई। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और आज का मौसम देखिए छत में कैसा हो रहा है, अभी से ऐसा लग रहा है कोयला पड़ रहा हो जैसे। कोहरा, कोयला नहीं कोहरा। तो बादल हो रहे हैं आज ना, सुबह से धूप नहीं निकली और बहुत ठंडी हवा चल रही है। हम लोग छत में थे नहीं, सब लोग नीचे ही आज सुबह से। आज हमारी नानी भी नहीं ऊपर आई, क्योंकि धूप रहती है तब तो वो ऊपर ही रहती है, लेकिन धूप नहीं है तो नीचे ही पहुँच गई थी। और बच्ची मैं बहुत ज़्यादा भिड़ती, यहाँ भिट्टी की साइकिल से भिड़ गई। मेरा ऐसे ही रहता है चलने में। तो अभी मैं आई थी छत में क्योंकि मामी छत पर। अभी मामी क्या कर रही है, दलिया भूंज रही है ना, तो देख के पता चल रहा है कि छत में ज़्यादा ठंड है। मैं तो अंदर से आई हूँ, देखो टोपा ओपा लगा के बैठ गई, हवा लग रही है ना। मैं क्यों नहीं भूंजा, मैं नहीं, यहाँ पर दिख जाता है अपनी किचन में थोड़ा। हमारे जो नीचे किचन है ना, मामी ने गैस नीचे रखी रखी है तो थोड़ा सा ना अंधेरा अंधेरा सा रहता है। लाइट बड़ी वाली भी लगा लिए, फिर भी नीचे उतना फोकस नहीं आता ना। और ठंड में चूल्हे में काम करने में अच्छा भी लगता है। इतने बहाने ढूंढोगी, हमारी क्लास खत्म हुई, क्लास लगना शुरू हुई। लड़की ना पढ़ने के लिए नहीं बैठती, और बात करने के लिए बोल दो तो सबकी दादी माँ बन जाती है। इतना बोलती है नानी से, बोलती है कि हम आपकी दादी हैं और ये बॉटल ले लेगी, गुड्डे ले लेगी, टेडी ले लेगी, कहती है ये हमारे बच्चे हैं और हम आज हाँ टीचर बनेगी पढ़ाई करके। हाँ देखो देखो, ऐसी टीचर बनेगी। देखो हमने बैठे बैठे अपनी स्लीपर तोड़ डाली, ये देखो, ये देखो हम बैठ गए स्लीपर पहन के, हमारी स्लीपर टूट गई। मैं ना इनको ऐसे बैठ गई थी, पालती लगा के बैठ गई थी, तो ये ना टाइट हो गई, मुड़ गई और टूट गई। चप्पल टूटने से किसको अच्छा लगता है? स्टाइल देखो, स्टाइल देखो, पोर्ट है ना ये, कि कोई पढ़ने के लिए ना बता रहा है। सारे पढ़ाई नहीं करते, रात में भालू आता है और पकड़ के ले जाता है अपने जंगल, जंगल में डालते हैं। बच्ची नहीं हूँ मैं, कुत्ता हूँ, पढ़ाई करने वाला। पढ़ो, पढ़ाई करो, कुत्ता भी तो पढ़ाई करते हैं, उनको भी भालू लेके जाते हैं। हेलो दोस्तों, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आप एक ही दिन में लाखों रुपए कमा सकते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? ऑब्वियसली यही ना कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 1x वेट ऐप के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना, 1x वेट ऐप वर्ल्ड का मोस्ट ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप अपने बचपन के गेम्स और वर्ल्ड में चलने वाले लाइव मैचेस जैसे क्रिकेट फुटबॉल पर बैट लगाकर जीत सकते हैं लाखों का कैश। तो दोस्तों आप सभी के पास भी है एक मौका लाखों कमाने का, और एक गुड न्यूज भी है आपके लिए, 1x बेट ऐप दे रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर को 26,000 का वेलकम बोनस। लेकिन दोस्तों बोनस को पाने के लिए आपको मेरे कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंकों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप मेरा प्रोमो कोड यूज करना ना भूलें, जो है HungryTenX। प्लस बोनस को पाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 100 rupees डिपॉजिट करने हैं अपने 1x बेट ऐप अकाउंट में, और अपने पहले ही गेम विनिंग में आपको मिलेगा आपका पूरा बोनस। तो है ना सब कुछ सिंपल और इजी, और 1x बेट आपको दे रहा है इजी इजी विड्रो का मौका। वी ट्रस्ट ओनली 1x बेट ऐप, नाउ इट्स योर टर्न टू डाउनलोड 1x बेट ऐप। और यहाँ पर मैं आ रही हूँ अभी दूध लेके, क्योंकि आज दूध वाले अंकल जी नहीं आए थे तो दूध पैकेट वाला लेके आना पड़ा है चाय के लिए। और अब मैं आई हूँ छत पे, यहाँ पर मुझे चाहिए था एलोवेरा जो हमारे गमलों में खुद। लगाने जा रही हूँ क्योंकि फेस तो इतनी सर्दी में धुलने की हिम्मत नहीं है और गर्म पानी से फेस धुलते नहीं है,
मैं इसको लगाऊंगी अपने पैरों में। पैरों में ना एड़ियां थोड़ी सी फट सी गई हैं, पता नहीं खुजली भी होती है और फट भी गई हैं, तो उनमें लगाना है मुझे। और साथ ही ये नाखूनों में, ये जो नाखून की जो ऊपर की ये साइड होती है ना, यहाँ पर खाल निकल सी रही है, उस खाल को पकड़ के अगर मैं खींच देती हूँ ना तो ब्लड निकल आता है, फिर बहुत दर्द देते हैं। रात में ना कम्बल ओढ़ने में भी रजाई में भी फंसते हैं, तो इनमें लगाना। ये देखिए ये जितने भी नाखून है ना, ये नाखून के ऊपर निकल आते हैं, खाल का धागा जैसा निकल आता है, तो इनमें भी लगाना है। मैंने देखा, मैंने ना एक बार मैगजीन में पढ़ा हुआ था कि ऐसी चीज़ों पर अगर एलोवेरा आपके घर में लगाए तो उसको तोड़ के लगा लो तो क्या है कि ये चीज़ सॉफ्ट हो जाती है और फटी एड़ियों में भी फायदा करता है। क्रीम वगैरह हम एलोवेरा वाली लगाते ही लगाते हैं, लेकिन नेचुरल एलोवेरा लगा लेते हैं ना, तो उससे क्या है कि ज़्यादा चिकनाहट आ जाती है। जैसे रात में लगा लेते हैं तो काफ़ी पूरी रात धुलती नहीं है, पैर लगा रहता है, तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। मैंने कल भी लगा के देखा था, तो आज आप लोगों के साथ भी मेरी सर शेयर करते हैं, क्योंकि ऐसे सर्दी में ये वाली समस्या सबके साथ हो जाती है। और यहाँ पर मैंने एलोवेरा जो तोड़ा था उसको अच्छे से धुल लिया, उसके साइड निकाल दिए और बीच से काट लिया है। और ये ना वाइट वाला एलोवेरा है, वाइट वाला एलोवेरा ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे तो गमले में येलो भी लगा है लेकिन वाइट अच्छा मानते हैं, ये वाइट वाला है। और इसको मैं अपनी एड़ियों में इस तरह से थोड़ा सा रगड़ूँगी, ऐसे लगाना बस नहीं है, इससे रगड़ना है कि काफ़ी कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट जितना टाइम हो उतना थोड़ा सा रगड़ लो, जिससे अच्छा सा वो हो जाए आपका एलोवेरा ना, आपकी फटी एड़ियों में पूरा सा ऑब्जर्व हो जाए। और ये है चना वाली भाजी जो नाना जी लेके आए थे, कल खेत गए थे तो किसी से तोड़वा के लेके आए थे। इतनी सारी ले आए हैं भाजी, देखो रखी है, 3 लोगों में कितनी सारी बनेगी। और कल नाना जी खेत गए थे, अपने खेत नहीं गए थे, कोई उनके दोस्त थे ना जिन्होंने बुलाया था, तो भाजी आजी लेने गए थे। तो नाना कल देखो कितने छोटे छोटे टमाटर लेके आए हैं, देखो गुच्छा वाले हैं। और ये ना इतने खट्टे हैं खाने में, खा के देखे तो टमाटर जैसे लग ही नहीं रहा, एकदम बेर लग रहा है, जैसे बेर होते हैं ना खट्टे मिट्टे, वैसा लग रहा है टमाटर। तो नानी बोलेंगी इन टमाटरों की कड़ी बना देना। ये देखो ये ना ये गुच्छों में होते हैं टमाटर, ये देखो छोटे छोटे अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। मम्मी इनकी कड़ी बनानी है ना, ये तो गुच्छे में है। और भाजी भी बहुत सारी लेके आए थे, 3-4 लोग। यहाँ पर हो रही है टमाटर वाली कढ़ी बनाने की तैयारी। वैसे मुझे आती नहीं है लेकिन मैंने रमा मौसी को देखा है कई बार टमाटर की या गाजर की कढ़ी बनाते हुए, तो जा रही हूँ और मैं भी साथ में चली जा रही हूँ, थोड़ा सा हेल्प करा लूँगी। मामी रोटी बना लेगी, एक साइड कढ़ी बन जाएगी गर्म गर्म, तो यहाँ पर मामी की बन रही है रोटियाँ और दूसरी साइड मैं कर रही हूँ कढ़ी की तैयारी। और किसी ने कल की कमेंट में पूछा था कि आपकी मौसी चली गई हैं क्या, बड़ी वाली जो आई थी। हाँ ये मौसी मेरी चली गई हैं, परसों के दिन ही निकल गई थी। परसों के दिन मैं कॉलेज गई हुई थी और मौसी निकल गई थी। मैं कॉलेज से 2 बजे आई थी, मौसी 10 बजे वाली ट्रेन से निकल गई थी, तो मैं भी नहीं उनसे लास्ट टाइम मिल पाई थी, लेकिन फिर बात हो गई थी फ़ोन में, तो वो यहाँ से जा चुकी हैं। तो यहाँ पर मैंने छौंक दी है कढ़ी, और कढ़ी में मैंने सबसे पहले डाला था 1 चम्मच, आधी चम्मच ये मेथी और आधी चम्मच जीरा। उसके बाद डाला है 1 चम्मच पेस्ट अदरक वाला, लहसुन वाला जो कस के रखा था। और हरी मिर्च नहीं थी तो मैंने खड़ी वाली लाल मिर्च डाल दी है, क्योंकि ये कढ़ी में अच्छी दिखती भी है। इसके बाद टमाटर डाल दिए और अब मसाला डाल के ना थोड़ा सा इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, जब तक एकदम टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद डालूँगी बेसन घोल कर। और वैसे ना इस टमाटर वाली कढ़ी में आप दही भी मिला सकते हैं थोड़ा सा, अगर टमाटर खट्टे नहीं है, जो बाज़ार वाले बड़े बड़े टमाटर आते हैं ना उसमें दही मिलाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये टमाटर तो पहले ही से ही खट्टे थे इसलिए हमने दही नहीं लिया है। सिर्फ बेसन को पानी में घोल के और यहाँ पर मिक्स कर दिया, थोड़ी देर चलाऊँगी, इसके बाद इसको पक जाने दूँगी अच्छे से और फिर नमक इसमें ऐड कर दूँगी। वैसे बनाई तो नहीं है लेकिन देखते हुए सबको इतना आता था तो बनाई है, लेकिन देख तो अच्छी रही है, खुशबू भी अच्छी आ रही है।
और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ खाना सबका। मामी अभी गए हैं शिवांशी को खाना खिलाने, तो मैं यहाँ पर जब तक सबका खाना लगा लूँगी। और चलो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ डिनर करने, आज टमाटर की कढ़ी बनी है। और डिनर होने के बाद मैं आ गई हूँ अपना काम करने, जो कि डेली का है मेरा ये काम। अब एक दो घंटे तो मुझे ये स्टडी अपनी करनी करनी है, उसके बाद देखूँगी थोड़ा सा अगर टाइम रहता है रात में तो मैं वीडियो एडिट करूँगी, नहीं तो फिर दिन में ही करती हूँ। स्टडी करने में ना सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सर्दी की सीजन में, क्योंकि आप बैठ भी नहीं सकते। गर्मी में तो कहीं भी जाके आराम से पढ़ लो, छत में चले जाओ, कहीं भी पढ़ जाओ, लेकिन सर्दी के टाइम में तो ऐसा लगता है बस रजा ही मिल जाए। लेकिन अब मैं इसी के साथ करूँगी अपना वीडियो एंड। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।